गाइज, मैं बहुत देर से गेट पर खड़ी होकर वेट कर रही थी किस चीज़ का, पार्सल का। ये भैया आ रहे हैं पार्सल देने, और इसमें क्या मंगाया है, फाइनली गेट पर आ गए हैं। ये सर बाहर मिल के ही बात कर लीजिए, मैं दे दे रहा हूँ। बता दीजिए रिसीव। हाँ हाँ, ले लिया। ठीक, ये आप अनबॉक्स नहीं करेंगे? अनबॉक्सिंग लगेंगे। अच्छा, कोई दिक्कत हो तो आप रिटर्न डाल सकते हैं। ओके 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 ओके। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कल मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था पार्सल। इस बॉक्स में क्या हो सकता है, आप लोग गेस करो क्या हो सकता है। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या है। मुझे तो पता है लेकिन आपको नहीं पता होगा। कमेंट में बताओ कि इस बॉक्स में क्या हो सकता है, आपने क्या गेस किया था। इस बॉक्स में निकला मिनी टेम्पल जिसके सिर्फ पार्ट थे, और मुझे छोटा सा मिनी टेम्पल खुद बनाकर रेडी करना था। हम दोनों लोगों ने अनबॉक्सिंग की और दोनों लग गए मिनी टेम्पल बनाने। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए और बताना कि हमने मिनी टेम्पल कैसे बनाया, और बहुत इजी था बनाना कि आप कैसे इसको सेट कर सकते हैं। पर फिर भी मन नहीं मान रहा था, मेरा मन कर रहा था मैं भी बनाऊं इनके साथ। तो आधा टेम्पल ये बना रहे थे, मैं उसको बिगाड़ रही थी, फिर मैं दोबारा बना रही थी, वो बिगाड़ रहे थे, मैं दोबारा बना रही थी। हम लोगों को मिनी टेम्पल बनाने में बहुत अच्छा लग रहा था। बार बार पार्ट को जोड़ रही थी, बार बार पार्ट को ऐड कर रही थी, बार बार पार्ट को हटा रही थी। बस ऐसे ही समय बीतता गया और हमारा टेम्पल बनकर रेडी हो गया। वाकई में बहुत अच्छा टेम्पल था। अगर आपको ऑनलाइन करना है फ्लिपकार्ट से कर सकते हो। टेम्पल तो बनकर रेडी हो गया था। अब इसमें बेल्स लगाई जा रही थी, इसमें एक एक्स्ट्रा बेल्स आई थी, पर इन बेल्स को फेविक्विक से भी जोड़ दिया था। आपको मेरा मिनी टेम्पल कैसा लगा कमेंट में बताएं। थैंक यू।